ने क्या इजहाराबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा। लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं कि हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके अभी हुआ है, काम तो आपके अभी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रबाबू जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रबंसी जी का वोट आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार से जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहेगा बढ़िया है। अब मेरा उम्मीदवार तीन दिन चार दिन आपका दरवाजा नहीं गया तो आप कहिएगा कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है, सवाल चलेगा। राजनीति थोड़ी होती है, राजनीति करना है असूल के साथ राजनीति करिए, राजनीति करना है वजूद के साथ राजनीति करिए और दूसरों पर राजनीति करिए। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सदस्य अशोक चौधरी ने भूमिहारों पर बयान देकर बवाल मचा दिया। जहानाबाद में जेडीयू कार्यालय के उद्घाटन को पहुंचे चौधरी ने पार्टी के उम्मीदवार चंद्र कुमार चंद्रवंशी के संदर्भ में विवादास्पद बयान दिया था। चंद्रवंशी 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से जेडीयू उम्मीदवार थे, वे हार गए। अशोक चौधरी ने इसका दोष भूमिहारों पर मढ़ा। उन्होंने कहा कि भूमिहार ने अति पिछड़ी जाति से आने वाले उम्मीदवारों का साथ नहीं दिया। उनके बयान को लेकर बिहार के भूमिहार नेता उबल रहे हैं। जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया है तो भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी चौधरी का बयान नागवार लग रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। कहते हैं कि आरजेडी के शासन के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला का लोगों ने संक्षेपीकरण तब समझा था। स्वर्ण समाज की इन जातियों का ही बिहार में वर्चस्व रहा है। हालांकि आबादी में इन जातियों की कुल हिस्सेदारी 10-12% ही होगी। संभव है कि सामाजिक न्याय का नारा देकर लालू ने जिस तरह पिछड़ी जातियों को उभारा था उसका अधिकाधिक लाभ लेने के लिए जातीय विभाजन की यह बात कही हो। शायद और संभव है का इस्तेमाल इसलिए कि लालू के इस नारे का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री बने सत्येंद्र सिन्हा के बाद भूमिहार समाज के किसी व्यक्ति को कभी शासन का मौका नहीं मिला। जमीन, एजुकेशन और संपत्ति के मामले में भूमिहार शुरू से ही समृद्ध रहे हैं, इसलिए राजनीति में ये दबदबा भी चाहते हैं। उनकी ताकत इसी से समझी जा सकती है कि पिछड़ी जातियों की बहुलता के बावजूद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरजेडी के पिछड़ी जाति से आने वाली उम्मीदवार को इस बार लोकसभा चुनाव में हरा दिया। अनंत सिंह उन दिनों पैरोल पर बाहर आए थे। जेल प्रशासन के अनुशासन का पालन करते हुए उन्होंने लल्लन सिंह की जो मदद की वह तो वे ही दोनों जानते होंगे, लेकिन लोगों को यह मालूम है कि जितने दिन अनंत सिंह घर पर रहे क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का हुजूम उनसे चुनावी दिशा निर्देश पाने के लिए उमड़ता रहा। अशोक चौधरी क्यों इतने गुस्से में थे? भूमिहार के घर बेटी ब्याहने वाले अशोक ऐसा क्यों बोले? क्या यह उनका स्क्रिप्ट था या किसी और का? अशोक चौधरी के बयान पर ऐसे सवाल लोगों के मन में जरूर उमड़ेंगे, खासकर उस जाति के लोगों के मन में जिसके बारे में उन्होंने कहा। जेडीयू ने उनके बयान से यह कहकर किनारा कर लिया है कि उसके नेता नीतीश कुमार इस तरह की बातों के खिलाफ है। वैसे भी नीतीश कुमार ने भूमिहार समाज को सम्मान ही दिया है, भूमिहार भी शुरू से उनके साथ रहे हैं। तब अगर अशोक चौधरी ऐसा बोलते हैं तो निश्चित ही यह किसी और की स्क्रिप्ट होगी। अगर वह कोई दूसरा आदमी है तो यकीन मानिए कि अशोक चौधरी जेडीयू में ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। नीतीश किसी को जिस तेजी से उठाते हैं उसी तरह धड़ाम से पटकते भी हैं। उन्हें भनक भर लगी कि इस बयान से उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है तो उन्हें RCP और प्रशांत किशोर की तरह अशोक चौधरी से मुक्ति पाने में देर नहीं लगेगी।